एकता सामाजिक सेवा संस्था युवा अध्यक्ष श्रीनिवास एंगल जी के जन्मदिन पर पद्म नगर गणेश टॉकीज में मुफ्त आरोग्य केंद्र का आयोजन कपिल पाटिल फाउंडेशन के अध्यक्ष सुमित पाटिल व उनके सहयोगी और एकता सामाजिक सेवा संस्था के अध्यक्ष वेमुला श्रीनिवास व उनके सहयोगियों ने बड़ी मेहनत करके कार्यक्रम को सफल किए हैं, जिसमें हजारों लोगों ने अपने उपचार करवाए। संस्था के युवा अध्यक्ष श्रीनिवास वेंगल और संस्था के अध्यक्ष वेमुला श्रीनिवास से साई नमो नमो SNN न्यूज के गणेश चिल्का ने उनसे मुलाकात की है। आइए देखते हैं। जन्मदिन के अवसर पर जनताओं का सेवा कर रहे हैं, जैसे जैसे मोदी जी का कहना है कि बर्थडे के दिन जनसेवा कार्य होना चाहिए, वैसे आपको जनसेवा कार्य हो रहा है, क्या करना चाहिए सर? मैं सेम आप जैसे बोले, मैं भी वही मोदी जी से प्रेरणा लिया हूँ। हमारे और आधार स्तंभ हमारे बड़े भाई हमारे सुमित दादा, उनका भी हमेशा वही कहना रहता है कि बर्थडे के दिन पार्टी वगैरह करने का नहीं, ओनली जनसेवा करो। इसीलिए मैं 2 साल से, मतलब बोला जाएगा तो मैं 2008 से ऐसा हमारे एकता सामाजिक सेवा संस्था के सभी पदाधिकारियों को साथ में लेकर 2008 से मैं मेडिकल कैंप कर रहा हूँ, और ये मेरा लगता है कि ये 12वां या 13वां मेरा मेडिकल कैंप है। मेरा बर्थडे के दिन एक ही मकसद है, गरीब लोग का सेवा मिले, गरीब लोग का फ़ायदा मिले। हमेशा कुछ ना कुछ मैं नया कुछ फ़ायदा पेशेंट को होने के लिए मैं कुछ ना कुछ लाता हूँ। इस बार भी कुछ नया लेके आया हूँ पद्मनगर रहवासियों के लिए। इस बार पहले तो पूरे खून का तपासनी है, ब्लड चेकअप है, उसके बाद सुप्रसिद्ध डॉक्टर जो MD फिजिशियन से जो कार्डियक डायबिटिक ब्लड प्रेशर वाले को देखेंगे वो सभी आए हैं, और आयुर्वेदिक में हिजामा हर्बल करके उनको मैं बाहर से बुलाया, उनको उन लोग आए हैं, तो उन लोग तुरंत जो घुटने का दर्द है, कमर दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, उनको तुरंत 10 मिनट में इधर यहाँ पे उनका मशीन एक कोरिया से जो मशीन लाया है, तो कोरियन मशीन से यहाँ पे उनको तुरंत राहत मिल रहा है। अंकल जी आपके करीबी है, आप उनको मानते हैं, जिस तरह से एकता सामाजिक सेवा संस्था क्योंकि गणेश उत्सव पंडाल की बनाती है, और आज क्या करना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं हमारा जो युवा अध्यक्ष जो एकता सामाजिक सेवा संस्था की तरफ से उनको मैं बर्थडे का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो पिछले कई दिनों से हम लोग जो कपिल पाटिल फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, हमारा जो बड़े भाई जैसा सुमित पाटिल जी, उनका नेतृत्व में भी लॉकडाउन में भी कई सारा हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ किया है। तो उसके बाद हम लोग सोचा है कि कुछ ना कुछ बर्थडे के दिन कुछ इवेंट्स करना चाहिए, तो लोगों में कुछ सेवा करना चाहिए, वो हमारे दिमाग में रख के अभी जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ तभी से हम लोग स्टार्ट किया। अभी आज भी जो कपिल पाटिल फाउंडेशन व एकता सामाजिक सेवा संस्था, अपूर्व महिला संस्था और अनेक्स हॉस्पिटल के इनके आयोजन से आज इधर कैंप का रखा गया है। इसका बड़ी संख्या में जो पब्लिक आके इसका लाभ उठा रहा है, तो इसमें कई तरीके का मतलब आई कैंप तो एक कॉमन ही है, इसके अलावा मतलब कार्डियो का, ECG का, जो पर्टिकुलर लेडीज़ के लिए भी कई सारा मतलब उनको चेकअप के लिए, जांच के लिए हम लोग रखा है। तो समाज सेवक के रूप में देख रहे हैं आप, आज आने वाले दिनों के लिए नगर सेवक के रूप में देखना चाहिए आप? देखिए अभी तो फिलहाल सब लोग का उनका आशीर्वाद है, क्योंकि हर एक चीज़ में वो आगे रहते हैं। हमारा एकता सामाजिक संस्था में भी उन्होंने हर चीज़ का तो एक्टिविटीज़ में आगे रहता है, ऐसा नहीं अन्ना ऐसा करना चाहिए, अपने को गाइडेंस देता है, तो उस तरह से मतलब लोगों में भी उनका दिल पे बैठ गया। तो हम सोचते हैं कि सबका आशीर्वाद रहेंगे तो कंफर्म वो हम लोग चांस देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। एकता सामाजिक सेवा संस्था पिछले 10 सालों से देखा जा रहा है, जिस तरह से मुरली मच्छा को भी जिताया आपने, हाँ जी, सुमित दादा को भी आपने जिताया, और आने वाले दिनों के अंदर आप में से कोई नेता नहीं बनने ऐसे नहीं कोई से नहीं नेता नेता तो है इच्छा, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि आगे जाके बेंगल श्रीनिवास को हम लोग आगे चांस देने की हमारा उम्मीद है, क्योंकि हर चीज़ में वो आगे रहता है, वो पब्लिक का दिल में भी बैठ गया वो ऐसा।